करंट अफेयर्स की वन मंथ सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, प्रतिवर्ष 5 सितंबर तारीख को मनाया जाता है। हम 5 तारीख को टीचर्स डे जरूर मनाते हैं पर नेशनल लेवल पर, लेकिन इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आपका नेक्स्ट करंट अफेयर्स यहाँ पर होने वाला है वर्तमान में बहुपक्षीय वायु अभ्यास, अभ्यास तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण जोधपुर आयोजित किया जा रहा है। करंटली द फेस ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन जोधपुर। एक अच्छी बात है, बस आपको याद रखना है दूसरा चरण है, पहला चरण कहाँ पे आयोजित किया गया था वो भी आपको याद रखना है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है हाल ही में मुंबई शहर में लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नमेंस सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया गया है। रिसेंटली एन इनोवेटिव कॉल लैब मित्र हैज बीन ऑनर्ड एट द नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024 इन मुंबई सिटी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स यहाँ पे हमारा होने वाला है हाल ही में ही HDFC बैंक ने भारत के गिग श्रमिकों के लिए विशेषीकृत कीगा नामक एक वित्तीय उत्पाद लॉन्च किया है। इसने HDFC बैंक क्या है, एक प्राइवेट बैंक है। रिसेंटली HDFC बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट कॉल्ड गीगा स्पेशलाइज्ड फॉर गिग वर्कर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है हाल ही में भारत और केन्या की तीसरी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। रिसेंटली द थर्ड जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन कमेटी मीटिंग ऑफ इंडिया एंड केन्या वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जितनी भी मीटिंग PM वगैरह मिनिस्टर से रिलेटेड होती है मोस्टली मीटिंग्स वो न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट कराई जाती है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ई श्रम पोर्टल में 3 साल में 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकृत किया है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंफॉर्मेशन द ई श्रम पोर्टल हैज़ रजिस्टर्ड मोर देन 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर इन जस्ट 3 ईयर, यानी कि 1 साल में कितने करोड़ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन किया होगा कमेंट में बताना। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर होने वाला है भारत की सबसे तेज़ी से विकास करने वाले बड़े राज्य के रूप में गुजरात राज्य को मान्यता नहीं दी गई, क्यों? द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ नॉट बीन रिकगनाइज एज वन ऑफ द फर्स्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज स्टेट्स इन इंडिया, बट वाई? गुजरात रिलेट करता है अंबानी जी से, मोदी जी से। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है हमारा हाल ही में जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज संरक्षण परियोजना में भारत सरकार ने 100 करोड़ का बजट आवंटित किया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एलोकेटेड अ बजट ऑफ 100 करोड़ इन द जयपुर वर्ल्ड सिटी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। कितने करोड़ का स्टार्ट किया है बजट? 100 करोड़ का। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा होने वाला ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। द सेकंड एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 11 to 13 सितंबर। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है हाल ही में लोकसभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य ने विधानसभा में आधे घंटे का शून्यकाल 0 आवर शुरू करने की घोषणा दिया। वो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है। रिसेंटली ऑन द लाइंस ऑफ लोकसभा द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ अनाउंस टू स्टार्ट 0 आवर इन द असेंबली। पर यह है क्या, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 0 आवर का मतलब क्या है, अगर आपको पता है तो, अदरवाइज नहीं तो फिर तो मैं हूँ ही। तो चलिए ये थी हमारे आज की टॉप करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ना, सबको पसंद आनी ही थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि किसी को अगर करंट अफेयर्स की अपडेट्स नहीं मिलती हैं तो उसको इसके थ्रू मिल सके। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।